धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर को लेकर विवाद अभी थमा भी नहीं था कि वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर उत्तर प्रदेश में एक और बवाल शुरू हो गया है। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद को लेकर सर्वे किया जाना है। इस कड़ी में मस्जिद की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। इसके लिए दोनों पक्षों के वकीलों के साथ सर्वे की एक खास टीम वाराणसी पहुंच गई है। इस बीच ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति इबादतगाह के भीतर किसी भी तरह की वीडियोग्राफी कराने का विरोध कर रही है। समिति ने यूं तो ऐलान किया है कि वह इस प्रक्रिया का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करेगी, लेकिन वाराणसी प्रशासन ने एहतियातन शहर में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। गश्त करते वर्दीधारी सुरक्षा कर्मियों की वजह से काशी के माहौल में एक अजीब सा तनाव बना हुआ है। दरअसल मस्जिद में शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते हैं। ऐसे में सुरक्षित वीडियोग्राफी कराना वाराणसी प्रशासन के लिए एक चुनौती बना हुआ है। सर्वे से ठीक पहले सड़क से दिखने वाले मस्जिद के हिस्से को हरे पर्दे और होर्डिंग से ढक दिया गया है। एहतियात के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बंद की तैनाती कर दी गई है। सुरक्षित तरीके से कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए वाराणसी के पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने खुद कमाल संभाल रखी है। वह लगातार हालात की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के साथ साथ आईबी की टीमें भी सादी वर्दी में क्षेत्र में हैं। इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी के बल को भी स्टैंडबाई पर रखा गया है। वहीं मस्जिद कमेटी के अलावा अंजुमन इंतजामिया कमेटी भी इस वीडियोग्राफी का विरोध कर रही है। मुस्लिम पक्ष के विरोध को देखते हुए दूसरा खेमा भी एक्टिव हो गया है। मस्जिद की वीडियोग्राफी को सफल और शांतिपूर्वक कराए जाने को लेकर काशी के मंदिरों और मठों में यज्ञ और हवन किया जा रहा है। यज्ञ करने वाले संतों ने कहा है कि जो लोग वीडियोग्राफी का विरोध कर रहे हैं उनकी बुद्धि शुद्ध हो, हम इसके लिए हवन कर रहे हैं। भगवान विश्वनाथ का जो कोर्ट का आदेश है उसका सर्वे हो, फोटो हो, जांच हो। जो उसमें कुछ लोग धमकी दे रहे हैं कि हम नहीं करने देंगे, उनकी बुद्धि शुद्ध हो। और एक तरफ ये लोग कहते हैं कि हम न्यायालय का जो संविधान को मानते हैं, तो एक तरह से न्यायपालिका की अवमानना है, उल्लंघन है। इस दृष्टि से पूजा पाठ किया गया कि इनकी बुद्धि परिष्कृत हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, और जो कार्य में बाधा आने की संभावनाएं हैं वो बाधाएं मुक्त हो, विश्वनाथ श्रृंगार गौरी मुक्त हो। और संपूर्ण प्रतीक चिन्ह है कि वो विश्वनाथ था, है और भविष्य में रहे, उसकी बाधाएं दूर हों। अवैदिक मतों के, इस्लाम के मतावलंबियों की बुद्धि शुद्ध हो, परिष्कृत हो और निर्विघ्न जांच का कार्य संपन्न हो, इसके लिए हवन पूजन किया गया।